Morning students, how are you? I hope you are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, अटेंडेंस बनाना है एंड यू नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, है ना. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना दे, ठीक है. चलिए पहले ये काम कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. चलिए बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस, गुड. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 पढ़ा था, यूज ऑफ एस और विदाउट एस वाला, है ना, वर्ब में जो हमको लगा के बनाना था. और इसका जो एक्सरसाइज था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था. आई होप आप लोगों ने वो क्लास किया होगा. जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं किया है वो एक बार प्रीवियस वीडियो जो ग्रामर की है उसको देख लेंगे, ठीक है. चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू 2, है ना. इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. रिव्यू का मतलब होता है कि आपने पिछला जो भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से देखना. क्या है कि ये रिव्यू 2 है, एक बार हम लोग रिव्यू 1 भी बना चुके हैं. रिव्यू 2 में पिछला जो 3-4 चैप्टर है उससे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसको बनाना है. चलिए पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद अस, हिम, हर, इट और देम. प्रोनाउंस का जो चेंजिंग फॉर्म था जो कि हमने पढ़ा था उसको यहाँ पे यूज करना है और बनाना है. पहला है योर लॉक इज ब्रोकन, यू नीड टू चेंज डेस्क. तुम्हारा ताला जो है वो टूटा है और तुम्हें इसे बदलने की जरूरत है. तो नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स एक थिंग है ना, तो वहां पे ही शी तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इट होगा, है ना. क्या लिखेंगे वहां पे, इट. चलिए नेक्स्ट है सुलेखा हैज कर्ली हेयर, इट रियली सूट्स डेस्क. सुलेखा के पास जो है, सुलेखा को के घुंघराले बाल हैं और उसे यह काफी जचता भी है. तो उसे मीन्स क्या, लड़की के लिए है. तो शी का क्या है चेंजिंग फॉर्म, हर, है ना. चलिए नेक्स्ट है दीज टॉवेल्स आर डर्टी, यू नीड टू वॉश डेस्क. ये तौलिये जो हैं काफी गंदे हो गए हैं, तुम्हें इन्हें धोने की जरूरत है. तो दीज टॉवल्स, है ना, दीज का जो है क्या बनेगा, देम. चलिए नेक्स्ट है हेनरी इज हेल्पफुल, एवरीवन लाइक्स दिस. हेनरी काफी मदद करने वाला है और सभी उसे पसंद करते हैं. फिर यहाँ पे क्या है, किसी लड़के के लिए है, ही का क्या बन जाएगा, एम, है ना. चलिए नेक्स्ट है आवर कार हैज ब्रोकन डाउन, कैन यू गिव अस अ लिफ्ट. है ना, हमारी कार जो है वो खराब हो गई है, क्या आप हमें लिफ्ट देंगे. तो हमें मीन्स क्या है, आवर का क्या होता है चेंजिंग फॉर्म, बी का अस. ओके चलिए नेक्स्ट है Think of what your mother might ask you to do. Write this table doing what to complete each sentence. आप सोचिए कि आपकी माँ जो है कोई काम कहती है तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज करती है और वहां पे सेंटेंस में सही डूइंग वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को फिल कीजिए. जैसे डैश योर रूम पहला है, तो रूम को हमेशा क्या करने के लिए माँ कहती है, साफ करने के लिए. साफ का क्या होता है, क्लीन. चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लीन, है ना. नेक्स्ट है डैश योर स्कूल बैग, स्कूल बैग को क्या करने के लिए कहती हैं, अच्छे से पैक करने के लिए ना, तो पैक योर स्कूल बैग, यहाँ पे होगा पैक. चलिए नेक्स्ट है डैश एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. दूध क्या कहती है, पीने के लिए, तो क्या होगा, ड्रिंक, है ना, ड्रिंक एटलीस्ट, कम से कम एक ग्लास दूध पीने के लिए बोलती है. चलिए फोर है दैट्स द ड्रॉइंग यूजिंग दीज क्रेयॉन्स. क्रेयॉन की मदद से क्या करने के लिए बोलती हैं, कलर करने ना.
चलिए नेक्स्ट है, डैश दिस पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक, अपने जो संग्रह पुस्तिका है उसे किसी भी उसमें किसी भी चीज को क्या कहते हैं, चिपकाने के लिए, है ना। तो चिपकाना का होता है पेस्ट, ठीक है। चलिए सी नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट। अभी जस्ट हमने पिछला चैप्टर, इससे पीछे जो चैप्टर था, चैप्टर 10 आई थिंक, देख लेते हैं। हाँ चैप्टर 10, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, उसी का यूज है। आपको ऑप्शन यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसमें आईएनजी लगा के इज एम आर जो भी आएगा उसको लिखना है। पहला है द गार्डनर डैश अ ट्री नाउ, तो द गार्डनर मीन्स एक ही वाली है तो इज होगा, और प्लांट का प्लांटिंग is planting. Sorry, next है I dash shopping with mom, है ना। I के साथ हमेशा क्या लगेगा, am, और go का going, I am going shopping with mom. फिर है we dash old clothes for the poor, we के साथ are, और कलेक्ट का कलेक्टिंग, चलिए नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन डैश नाउ, द चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं तो आर होगा और स्लिप का स्लिपिंग। चलिए लास्ट है डैड डैश अ ट्री हाउस एज वी स्पीक, है ना। डैड मीन्स पापा, मीन्स एक है, इज और बिल्ड का बिल्डिंग। चलिए तो हमारा रिव्यू 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसको पहले आप लोग अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे वॉज और वेयर के बारे में, ठीक है। चलिए लिखिए आप लोगों ने, मैं इसको इरेज कर रही हूं। चलिए चैप्टर 12 में देखते हैं, जैसे हम लोगों ने इज एम आर पढ़ा था ना, उसी तरीके से वॉज और वेयर का भी यूज होता है। देखते हैं इसको, वी यूज वॉज फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर नाउ, है ना। वी यूज वॉज टू टॉक अबाउट वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। हम लोग वॉज का यूज तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में यह दिखाना होता है कि जो काम है वो पहले हो चुका है ना, थोड़ी देर पहले वो काम हो गया। और हम वॉज का यूज क्या कब करते हैं, तो एक ही पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के लिए, है ठीक है। जैसे द रूम वॉज डर्टी इन द मॉर्निंग, है ना। रूम जो है, कमरा जो है वो सुबह में गंदा था, है ना, मतलब अब नहीं है लेकिन थोड़ी देर पहले जो सुबह थी उस समय वो गंदा था, मतलब ये काम पहले हो चुका है और अभी ऐसा नहीं है। द क्रो वॉज थर्स्टी, कौआ जो है वो प्यासा था, मतलब क्या कि कौआ जो है थोड़ी देर पहले उसे प्यास लगी थी लेकिन अब वो पानी पी चुका है, मीन्स उसकी प्यास खत्म हो गई है, तो थोड़ी देर पहले की बात है ये कि था।
We also use was with the pronouns I, he, she and it. हम लोग was का use कौन कौन pronoun के साथ करते हैं? I, he, she and it means क्या? Singular person के साथ. जैसे I was happy with my marks. मैं अपने marks से खुश था. He was upset yesterday. वह कल उदास था. She was an air hostess till 2017. वह 2017 तक air hostess थी. It was windy last evening. कल शाम में जो है काफी हवा था, है ना? तो सब जगह क्या है कि थोड़ी देर पहले या कुछ दिनों पहले की बात है, तो वो काम बहुत पहले हो चुका है, तो was का यूज है, ठीक है? Like was, we use where for an action that happened before now. Was की तरह ही was और where का मीनिंग होता है. Was means था, where means थे, है ना? तो was की तरह ही where का यूज भी होता है किसी के ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो पहले हो चुका है. We use where to talk about more than one person, place, animal or thing. अंतर बस यही है कि was का यूज हम करते हैं सिंगल पर्सन के लिए और where का यूज हम करेंगे मोर देन वन थिंग के लिए, ओके? जैसे जॉन एंड केट वेयर एट देयर ग्रैंडमास हाउस यस्टरडे, द विंडोज वेयर शट, है ना? जॉन और केट जो हैं अपने दादी माँ के घर पे कल थे और खिड़कियां जो हैं बंद थी, है ना? तो ये क्या है, पहले की बात है. वी ऑल्सो यूज वेयर विद द प्रोनाउंस वी, यू एंड दे. हम लोग जैसे हमने पढ़ा कि वॉज के यूज करते हैं आई, ही, शी और इट के साथ, उसी तरीके से वेयर का यूज करेंगे यू, वी और दे के साथ, है ना? एक से ज्यादा के साथ. जैसे वी वेयर वेरी एक्साइटेड अबाउट द मैच, हम लोग मैच को लेकर काफी उत्साहित थे, मीन्स क्या? बहुत सारे लोग. यू वेयर वेरी हेल्पफुल इन कम्पीटिंग द एक्टिविटी. तुम लोग जो हो तो क्या है, तुम लोग जो एक्टिविटी कराने में काफी हेल्पफुल थे. फिर दे वेयर इन दिस रूम ए शॉर्ट व्हाइल अगो, वे लोग इस रूम में थोड़ी देर के लिए थे, है ना? थोड़ी देर पहले थे. तो क्या समझा हमने कि वॉज का यूज हम लोग करेंगे जो पहले हो चुका है उन बातों के लिए और सिंगुलर पर्सन के साथ, और वेयर का यूज एक से ज्यादा के साथ और वो भी पास्ट के, ठीक है? चलिए इसका जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं. पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको एक बताया है यहाँ पे कि वॉज और वेयर का यूज कैसे करना है. जैसे द टेस्ट वॉज इजी, परीक्षा जो था वो आसान था, है ना? यू डैश वेरी गुड इन शो एंड टेल लास्ट वीक. यू है ना, यू के साथ क्या लगेगा? वेयर, है ना? यू वेयर वेरी गुड इन शो एंड टेल लास्ट वीक. चलिए बनाते हैं इसको. चलिए नेक्स्ट है हमारा इट डैश अ हॉट डे यस्टरडे. इट में क्या लगाना है? वॉज ना, पढ़ाया अभी हमने. नेक्स्ट है आपका माय ग्रैंडफादर डैश इन द आर्मी अ लॉन्ग टाइम अगो. माय ग्रैंडफादर मींस क्या? दादाजी है, एक ही है. क्या लगेगा? वाज. चलिए नेक्स्ट है द फिल्म डैश बोरिंग. फिल्म एक ही फिल्म है, क्या होगा? वाज. फिर है दे आर डैश मेनी पीपल एट द म्यूजियम लास्ट संडे. मेनी पीपल मींस एक से ज्यादा है, क्या होगा? वेयर. ओके, चलिए बी देखते हैं. कह रहा है कि कंप्लीट दिस पैसेज विथ वॉज आर वेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको एक पैसेज दिया है, उसमें आपको देखना है कि एक है तो वॉज लगेगा, एक से ज्यादा के बारे में बात होगी तो वेयर. जैसे कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू गो इन टू स्पेस, है ना? कल्पना चावला जो है पहली भारतीय अमेरिकी औरत हैं, औरत थी जो स्पेस में जा चुकी हैं. शी डैश बोर्न इन करनाल, है ना? वो कहाँ जन्म ली थी? करनाल में. तो वॉज होगा, है ना? पहला जो पढ़ने वाला है उसमें लिखेगा वॉज. फिर है एट स्कूल साइंस एंड इंग्लिश डैश हर फेवरेट सब्जेक्ट.
एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो यहाँ क्या होगा वेयर। ओके फिर है इन 1988 सी ज्वाइन नासा, सॉरी नासा 1988 में उन्होंने नासा को ज्वाइन किया जो कि स्पेस सेंटर है अमेरिका में। हर फर्स्ट स्पेस मिशन डैश अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया है ना, उनका जो पहला स्पेस मिशन था उसका नाम क्या था शटल कोलंबिया। तो ये भी पास्ट की बातें हैं तो क्या होगा वाज। फिर है दे आर डैश सिक्स अदर क्रू मेंबर्स अबोर्ड दैट फ्लाइट, वहां पे छह और लोग थे उनके साथ है ना, तो एक से ज्यादा है तो क्या होगा वेयर। ओके फिर है दे आर फ्लाइट डैश इन स्पेस फॉर क्लोज टू 16 डेज, उनकी जो विमान थी है ना उनका जो स्पेस था सॉरी फ्लाइट रॉकेट वो स्पेस में कितने दिनों के लिए रुका 16 दिन के लिए, तो स्पेस फ्लाइट तो एक ही था क्या होगा वाज। ठीक है चलिए सी नंबर देखते हैं क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर वाज और वेयर व्हाट हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इज एम आर और वॉज और वेयर सबका यूज करना है। पहला आपको बताया कि वी वेयर लेट फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में स्कूल के लिए लेट हो रहे थे है ना, सुबह दिख चुका है इसलिए वेयर। अब है आई डैश बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ मतलब अभी राइट नाउ मतलब इस समय जो बातें हो रही है उसी समय व्यस्त है तो क्या होगा आई एम। ओके आई वॉज नहीं लिखना चलिए नेक्स्ट है लेट्स गो आउट इट डैश सनी आउटसाइड, चलो बाहर चले बाहर क्या है धूप है अभी की बात हो रही है इट इज सनी आउटसाइड। ओके चलिए नेक्स्ट है मधु प्लेड फुटबॉल व्हेन शी डैश इन स्कूल, मधु जो फुटबॉल खेलती है जब वो स्कूल में होती है ना तो स्कूल में से आ चुकी है नहीं नहीं एक्चुअली यहाँ पे होगा इज हो ये मतलब जो स्कूल में होती है तब वो फुटबॉल खेलती है खेलती थी ने। केशव डैश इन चाइना फॉर 4 months लास्ट ईयर, केशव चीन में था पिछले पिछले साल 4 महीनों के लिए वो चीन में था तो केशव वॉज। चलिए नेक्स्ट है द कुकीज डैश इन द ओवन टेक देम आउट, कुकीज जो है ओवन में है उन्हें निकाल लो क्या होगा द कुकीज आर इन द ओवन। ठीक है चलिए इसको नोट कीजिए फिर मैं बताती हूँ। सॉरी यहाँ पे 4 नंबर वॉस के बाद मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे वॉस ही होगा कि मतलब जब वो स्कूल में थी तब वो फुटबॉल खेलती थी है ना। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा है ना 4 नंबर पे इज नहीं वॉज होगा। ठीक है चलिए अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे हमने पढ़ा था इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी उसी तरीके से है वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।